बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरूज और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद अरूज। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्टीम चिकन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने पूरी चिकन ली है। इसका जो वेट है वो 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1.25 किलो इसका वेट होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। पिसे हुए सारे मसाले हैं ये। ठीक है, 1 tablespoon है ज़ीरा पाउडर, 1 tablespoon है धनिया पाउडर, 1 teaspoon है काली मिर्च का पाउडर, 1 tablespoon है कॉर्नफ्लावर और 1 teaspoon है चाट मसाला, 1 teaspoon है दड़ा मिर्च, 1 teaspoon है लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon है चिकन पाउडर, 1/4 teaspoon है फूड कलर जर्दे का रंग, और 1/2 teaspoon है गर्म मसाला पाउडर, 1 teaspoon है नमक का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये 2 tablespoon जो है इसके अंदर जाएगा लेमन का जूस, 2 tablespoon, और ये 1/2 cup है दही का, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से अपने सारे चिकन पे कोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कोट करके हम ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख देंगे। कोशिश कीजिएगा इसको ओवरनाइट करके रखें तो ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा इसे। अब इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देते हैं ओवरनाइट, सुबह इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ओवरनाइट, पूरा इसको मैरिनेट किया था, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको स्टीम करते हैं। ये मैंने इस तरह की कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/2 liter से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना पानी डाल लिया है, और ये इसके अंदर देख रहे हैं आप स्टैंड भी रख लिया है। ठीक है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह मैंने ये हीट ले ली हुई है। ठीक है, इस तरह की आपने विक शीट ले लेनी है, बटर पेपर ले लें। अब जो हमारे चिकन मैरिनेट हुआ है उसको हम सारे पीसेस को इधर जो है ना सेट कर लेते हैं। ठीक है, सारा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अगर ये एक ही दफ़ा में बर्तन मतलब छोटा है पूरा नहीं आता तो इसको हम 2 दफ़ा कर लेंगे। मैं तो 2 दफ़ा करूँगी क्योंकि मेरा थोड़े से पीसेस ज़्यादा हैं, तो ये 2 दफ़ा में पूरे आएंगे। ये सारे पीसेस देखिए मेरे सारे ही आ गए हैं इसमें माशाल्लाह से। ये मैं अब सारा जो हमारा बचा हुआ है मसाला है ये भी इसके ऊपर डाल दूंगी। इतना मज़े की खुशबू आ रही है और ये इतना मज़े का बनता है, आप यकीन करें इतने आसानी से 1/2 घंटे में ये बन के तैयार हो जाता है। टीम ही तो करना। अब इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे ताकि हमारी जो स्टीम है वो अंदर ही रहे बाहर ना। ये हो गया, ये देखा पानी को बॉईल आ गया है। अब मैंने इसके अंदर जो मसाले डालने हैं इनसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, ये भी आप ज़रा देख लें। ठीक है, ये एक तेज़पात ले लिया मैंने और ये छोटा सा टुकड़ा मैंने प्याज का ले लिया, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये 2-3 टुकड़े इसके अंदर अदरक के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और ये नींबू जो मैंने इसको मैरिनेशन में जूस डाला था ये उसके छिलके हैं। ठीक है, और 1 teaspoon मैंने इसमें सौंफ ली है, और 2 teaspoon मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है, और 1 मैंने बादाम का फूल लिया, 1 पूरा ले लिया। ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई है इसको किस चीज़ के ऊपर रखेंगे, ये जाली, चलो इसी को रखते हैं। ये इसके अंदर कोई भी इस तरीके से एक जाली रख ले, ये हम अपना चिकन इसके ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसको सील अच्छी तरीके से कीजिएगा। आप इसको कवर कर देते हैं। अब 5 मिनट में हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, जिस तरह इसके अंदर स्टीम बन जाएगी हमें ऊपर से नज़र आ रही होगी, तो फिर हम इसको जो है ना मीडियम टू लो ले जाएंगे, लो पे इसको फिर हम 20 से 25 मिनट पकाएंगे। मैंने इसको ओवरनाइट जो है मैरिनेट करके रखा हुआ था तो मेरा तो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा, और फिर जो हमारे पीसेज हैं उनके साइज़ पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम इसको लगेगा गलने में।
तो अगर आपके पीसेस थोड़े बड़े हों तो उसको फिर चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिएगा। अगर मैरिनेशन का टाइम हमने थोड़ा कम रखा है तो फिर भी चेक कर लीजिएगा, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा पका लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट इसको 5 मिनट हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्टीम बन गई है इसके अंदर। अब मैं चूल्हे को थोड़ा सा लो कर दूंगी, अभी फिलहाल तो हाई फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट जो है ना पकाया है, ठीक है। अब चूल्हे को हम थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देंगे। अब इसको 25 मिनट के बाद देखते हैं कि किचन चिकन हमारी कुक हुई है या नहीं हुई। देखते हैं कितनी हमारी चिकन तैयार हुई है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी स्टीम बनी हुई है। अभी अभी देख चेक कर लेते हैं कि गली है कि नहीं गली, अगर तो नहीं गली तो फिर थोड़ा सा और इसको पका लेंगे। नहीं माशाल्लाह से हो गई है, ये देखें कितने अच्छे आराम से टूट रही है, ये देखें। चलो जी ये देखें माशाल्लाह से कुक हो गया वो हमारा। अब इसको हम जो है निकाल लेते हैं, साइड पर रख देते हैं। अब इन पीसेस को हम निकाल लेते हैं। ये जो इसके अंदर आपका पानी नज़र आ रहा है ना, कि हमने फेंकना नहीं है, मैं इसका बताती हूँ इसका क्या करना है। पहले हम सारा अपना चिकन निकाल लें इसके अंदर से। ये एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने लहसुन कूट के रखा हुआ है वो डाल लेते हैं, कूटा हुआ लहसुन डालना है, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून लहसुन है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ही कुक हो जाता है, बस इसका थोड़ा सा कलर ही चेंज करना है, हल्का सा कुक करना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये कुटी हुई मक्खी है ये डालती हूँ। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर दड़ा मिर्च डाल दी है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा कुक करेंगे, रखी थी वो उसके अंदर ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से जिस तरह आसान लगे उस तरीके से मसाला सारा इसके ऊपर कोट हो जाना चाहिए। देखो कलर कितना खूबसूरत आ रहा है इसका। अब ये मेरे पास वाइट तिल है, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको हम 2 मिनट तक जो है कुक करेंगे। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा चिकन गला है, ये देखिए उतर रहा है, ये देखिए अभी इतना हेल्दी है। फिर 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, स्टीम हुआ हुआ है, मज़े का है, फीका नहीं है। अच्छा ये जो मेरे इसके अंदर ग्रेवी बची थी, ये हम इसी तरीके से जो है रख लेंगे अपना उसके अंदर, अपने ट्रे के अंदर। इसको खाने के साथ हम खाएंगे, चपाती के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, क्योंकि ये तो ड्राई है। तो हमारे पास थोड़ा सा मतलब एक शोरबा भी बन गया है थोड़ा सा ग्रेवी का, ये भी हम मतलब साथ खा सकते हैं, खाने के सूखा नहीं रहेगा। लेकिन हल्का हल्का कलर भी आ गया इनके ऊपर, पीसेस के ऊपर, और मसाला भी मेरा अच्छी तरीके से भुन गया। अब हम इसको ये इस तरीके से हम इसको सारे को निकाल के अपने प्लेटर में लगा लेंगे। तो मज़ेदार सा खुशबूदार इतना टेस्टी हमारा चिकन तैयार हो गया है। इसको आधा घंटा नहीं लगा यकीन करें बनाने में, आधे घंटे में ये तैयार हो गया है। बस मैरिनेशन करनी है और करके रख देना है, और उसके बाद स्टीमर में लगा देना है। इतना आसान है इसको बनाना।
ये मैंने साथ इसका थोड़ा सा रायता तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैंने दो हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको तैयार कर लिया। और ये आपको पता ही है, ये हमारी जो चिकन से ग्रेवी बची थी वो है चपाती और नान के साथ खाने के लिए। तो ये यहाँ हमारा यमी स्टीम चिकन हो गया है रेडी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।